अगर इजराइल इसी मसले पे अड़ा रहा तो उसका बर्बादी तय है। लेकिन अक्सा के बारे में क्यों ये नहीं मानते उसको? मस्जिद अक्सा में नबी ने 1,24,000 नबियों को बुला के नमाज अदा कराई थी। तुम किस उम्मत को डराने आए हो? किस उम्मत को? जहाँ 72 काफिले ने जो है पानी पिला दिया था मैदानी करबला में, क्या बात करते हो तुम लोग? इजराइलियों से मैं एक ही बात कहूंगा, ताबूते सकीना नहीं मिलने वाला, बक्सा नहीं मिलने वाला, तुम्हारी ताकत खत्म है। तो अगर यहूदी मानते हैं इस्लाम को, यहूदी इस्लाम को नहीं मानते हैं, तौरेब को मानते हैं, मानते तो अल्लाह को है ना वो। और मैं एक बात कहता हूँ, इस्लाम में जब अल्लाह ने कह दिया कि लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साबित है, सिर्फ बात खत्म, फिर अब कौन आने वाला है? और यही अगर आप पाल रहे हैं कि आप में कोई पैदा होगा, आप हुकूमत करोगे, इसके लिए आप बेकसूरों को मार रहे हो, जो क्या बहनों को ऐसे जमीन पे गिरा कर उनके सर को रगड़ दिया जाती रोडों पे, वो क्या जायज है? तो मानते हैं ना, वो नबी भी मानते हैं, मोहम्मद साहब के मोहम्मद साहब नबी थे, ये भी मानते हैं ना। तो जब आप उन्हीं की उम्मदियों को, कोई एक मुसलमान, कोई उम्मदी, किसी उम्मदी को अपने अजान नमाज से दूर करे, तो आप फिर दीवार के पास जाकर रोगे ही जिंदगी भर। वो जो दीवार बनी बनवाए हो ना, उसमें आपको रोना ही है पूरी जिंदगी, आपको हंसना नहीं होगा। आप अस्पतालों बम गिरा रहे हैं, आप गजा पट्टी बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भैया? आप लड़ाकों को मारो, आतंकवादियों को मारो, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जब हिटलर ने भगाया था सबको, तब फिलिस्तीन ने इनको जगह दी थी। आप किसी की जगह पे जाओगे, आपको रहने की जगह मिल गई, व्यापारी जगह मिल गई, तो आप हुकूमत कर लोगे। मुसलमान को तो प्रधानमंत्री नहीं बने देते हो यहाँ पे, क्या तो बाहर ही है जो देश है, जो मुस्लिम देश है, क्योंकि मस्जिद अक्सा का मामला है, आपको पता है, आप नबी के क्या जानते हो मस्जिद अक्सा के बारे में, क्यों ये नहीं मानते उसको? मस्जिद अक्सा में नबी ने 1,24,000 नबियों को बुला के नमाज अदा कराई थी। पूरा इस्लाम किस पे है? अल्लाह पे है। यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, सभी लोग अल्लाह को मानते हैं, जितने भी इस्लामिक है, चाहे तौरेब मानते हो, चाहे अंजील मानते हो, चाहे जबूर मानते हो, चाहे कुरान मानते हो, ठीक मानते हैं आप। अगर अल्लाह ने ही कह दिया कि बस लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, दैट्स इट, तो बात ही खत्म ना। मुसलमान ईमान, नमाज, हज, जकात, सदका, और ये जो जकात सदका पहले हज लास्ट में अगर कर पाए तो कर पाए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। किसी का हराम खाने का पैसा नहीं कहा गया इस्लाम में। मैं इस्लाम को पढ़ा हूं, मैंने इनकी भी हिस्ट्री पढ़ी सर, लेकिन कुरान जो कहता है, जो आखिरी किताब है, वो पूरे उम्मत के लिए है, पूरे नबियों के लिए है, पूरे सब लोगों के लिए है, उसको मानना होगा। और अगर इजराइल इसी मसले पे अड़ा रहा तो उसका बर्बादी तय है। लेकिन योगी जी, आपने देखा, अमेरिका से मेरा एक निवेदन है, अमेरिका से मेरा एक निवेदन है, क्या अमेरिका अपनी 1 फुट भी जमीन किसी को देगा? अगर वह दे रहा है या तो वो आज इजराइल का साथ दे, नहीं जो आज बीज बो रहे हो कल तुम्हारे को भी काटना पड़ेगा। तुम बड़े सुपर पावर हो तो क्या हुआ? लेकिन आप, मेरा शराफ है अमेरिका को जी। बहुत बच्चे मर रहे हैं, अगर वो चाहता तो आज ये इतना सब कुछ ना होता। लेकिन मैं नमन करता हूँ फिलिस्तीनियों से, नमन फिलिस्तीनियों को, कि आज जो उनकी ईमानदारी से, जो उन्होंने सच में भरोसा है अल्लाह पे, अगर किसी का भरोसा दिखता है तो फिलिस्तीनियों का दिखता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अभी जो मसला है, फिलिस्तीन के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।